हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम सीखने वाले हैं एक नई चीज़ जो कि है प्री कंडीशन, हम कैसे कर सकते हैं हमारे बालों को। इंटरनेट पे मैंने ऐसी चीज़ देख रही थी, इंटरनेट तो छोड़ो, मतलब हमारे ही प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे मैंने देखा था। सो मैं आज उस चीज़ को ट्राई करने वाली हूँ आपके सामने, लाइव रिजल्ट, सारे चेक-इन्स आपके सामने होंगे। एंड देन वी गोना सी कि क्या ये चीज़ एक्चुअल में काम करती है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो तो आप कर ही देंगे, ऐसे अमेजिंग वीडियोस तो कौन मिस करता है। दीज डेज माई डार्क सर्कल्स आर, ढूंढते रह जाओगे, लुक एट देम, देयर ऑलमोस्ट गॉन, आई एम सो हैप्पी अबाउट इट, यू नो। एनीवेज, सो एज़ यू गाइस ऑलरेडी नो कि आज का वीडियो किस बारे में होने वाला है, वी गोना बी सब्स्टिट्यूटिंग कंडीशनर एंड वी गोना बी टेस्टिंग और ट्राइंग पॉपुलर हेयर स्टाइलिस्ट मिस्टर जावेद हबीब्स मेथड ऑफ प्री कंडीशनिंग। नाउ प्री कंडीशनिंग इज वॉट इज बेसिकली यूजिंग कंडीशनर बिफोर वी शैम्पू अर हेयर, ऐसा ही मतलब हुआ, लेकिन स्टोरी में ट्विस्ट है। उनका कहने का मतलब है कंडीशनर को अगर आप यूज करते हो तो लॉन्ग रन में भी नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी जल्दी वो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ब्रेकेज करता है, कमज़ोर बनाता है। और ड्यू टू दैट देर आर सो मेनी हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम सच एज हेयर फॉल एंड थिंग्स लाइक दैट, सो इट्स नॉट गुड। नाउ इंस्टेड ऑफ दैट वॉट वी कैन यूज इज, हमको यूज़ करना है कंडीशनर शैम्पू करने से पहले। अब बात तो वही हुई ना, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है कि हमको यूज़ करना है एज पर हिम मस्टर्ड ऑयल टू प्री कंडीशन आर हेयर। नाउ मस्टर्ड ऑयल मैं खुद भी दीवानी हूँ आफ्टर ऑलिव ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, आई ऑल्सो लाइक टू यूज दिस मस्टर्ड ऑयल। इन फैक्ट इफ आई टॉक अबाउट माई फैमिली, माई फादर यूजेज लाइक यू नो एनी थिंग, सर पे, बालों पे, मुंह पे तो लगा देते हैं वो। तो लेट्स सी, मस्टर्ड ऑयल काफ़ी चीप भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इवन इफ यू कंपेयर इट टू यू नो एनी कंडीशनर अवेलेबल इन द मार्केट जो कि बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग प्राइस का हो। तो ठीक है, इट्स चीप मेथड। करने का तरीका क्या है, आपको हेयर वॉश करने से पहले 5 मिनट पहले आपको बालों, गीले बालों में इसको लगाना होता है। नाउ देयर इज़ वन थिंग जो आपके दिमाग में चल रहा होगा, इन मोस्ट ऑफ माई वीडियोज़ आई हैव मेंशन कि मुझे जो हेयर ऑयलिंग होता है वो रात को करके रखना अच्छा लगता है, बट जस्ट टू ट्राई दिस मेथड आउट, मैंने हेयर ऑयलिंग नहीं किया है, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ पुटिंग एक्स्ट्रा ऑयल अगेन ऑन माई हेयर। अगर आपने रात को कर लिया है तो आप मत करिए इसको, आप हेयर वॉश करने से पहले 5 मिनट पहले जरूर ट्राई करिएगा, आपका एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करना काफ़ी अच्छा लगेगा। तो आपको कैसे यूज़ करना है, शैम्पू करने से पहले गीले बालों में, आइडियली आपको ये सब चीज़ें वॉशरूम में करनी चाहिए, बट सिंस आई कैन नॉट शूट एवरीथिंग राइट देयर, सो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, अपने बालों को डैम्प कर लूँगी, उसके बाद मैं लेंस पे अप्लाई करूँगी ऑलमोस्ट एंड पार्ट, जो हमारे बहुत ज़्यादा फ्रीजी होते हैं, डैमेज्ड होते हैं, स्प्लिट एंड्स होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अप्लाई करते हैं और बस वहीं पे लगाना है, वरना स्कैल्प पे लगाओगे तो शैम्पू से निकालना ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ की कॉस्टिंग वहाँ बैलेंस हो जाएगी, तो ऐसा मत करिए, स्कैल्प पे नहीं लगाना, ओनली एंड्स पे। तो मैं एक बार अपने बालों को डैम्प कर लेती हूँ, कैन यू जस्ट लुक एट माई हेयर। तो मेरे पास यहाँ पे है स्प्रे बॉटल जिसकी हेल्प से मैं अपने बालों को डैम्प करने वाली हूँ, सो स्टार्ट डूइंग दैट। यहाँ पे मैंने अपने बालों को पार्शली क्लच कर दिया है, एंड सिंस वी आर टेस्टिंग समथिंग तो उसको बिल्कुल अच्छे तरीके से करना चाहिए, वरना हमको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल गीला हो चुका है और अब मैं इस पे लगाने वाली हूँ हेयर ऑयल। तो यहाँ पे पार्ट आता है मस्टर्ड ऑयल का, सो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा आपको लेना है, बापरे यूजिंग जस्ट दिस मच, आई होप यू कैन सी, ओके। सो इसको लेके अपने हाथों पे इस तरीके से करके एंड देन जस्ट लाइक दिस आपको बिल्कुल स्ट्रेट करते जाना है, जैसे आपको स्कैल्प पे नहीं लगाना है, स्टार्ट फ्रॉम दिस रूट। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा चली गई थी, वैसे एक चीज़ यहाँ पे मुझे डाउटफुल है कि गीले बालों को जितना हम ज़्यादा इस तरीके से करते हैं चांसेस आर कि वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो वी गोना सी वंस आई एम डन आई विल शो यू ज़मीन पे यहाँ पे कुछ हेयर फॉल हुआ है या नहीं। नाउ इस पार्ट को भी मैं सेम टू सेम करने वाली हूँ, आई कैन एक्चुअली सी कि यहाँ पे थोड़ा बहुत हेयर फॉल हो चुका है, क्योंकि गीले बालों में जैसे मैंने आपको बोला है कि हम कोम भी नहीं करते हैं हमारे बालों को, तो जस्ट इमेजिन। ओके, सो लास्ट सेक्शन को भी मैं एक बार ऐसे डैम्प कर देती हूँ एंड देन यहाँ पे भी हल्का सा ऑयल यूज़ करती हूँ, इसको दोबारा से ऐसे ऐसे करके एंड देन वी हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग टिल और एंड्स। एक्चुअली गाना शो यू कि कितने बाल गिरे हैं, मोर देन 10 फॉर श्योर आई टेल यू। सो मैंने जो हेयर ऑयलिंग है वो बिल्कुल नीचे तक अच्छे से कर ली है, नाउ आई एम जस्ट गाना कीप इट लाइक दिस एंड देन 5 मिनट में हेयर वॉश करने जाती हूँ। ओके,
सो दिस इज एग्जैक्टली द प्लेस वेयर आई वाज स्टैंडिंग एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आई टोल्ड यू बिफोर कि मुझे लग रहा था हेयर फॉल होने वाला है एंड यू कैन सी एक आध बाल यहाँ पे है देन देर आर लाइक अराउंड 10 to 15 स्ट्रैंड. आई एम एक्चुअली क्लूलेस. आई मीन अभी आप देख सकते हैं मेरे 10 to 12 स्ट्रैंड गिर चुके हैं ऑलरेडी. तो अगर मैं बाकी का थोड़ा सा हेयरफॉल आगे बचा लेती हूँ तो ब्रेकेज है वो बचा लेती हूँ कंडीशनर को यूज़ करके तो क्या फ़ायदा. फर्स्ट थिंग फर्स्ट एनी वेज फिंगर्स क्रॉस्ड. और एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कोमल वैसे भी तो आप हेयर ऑयलिंग करते हो ना. आई अग्री, वैसे हम सब लोग हेयर ऑयल करते हैं लेकिन डैम्प बालों पर थोड़ी करते हैं. डैम्प द मिनट हमारे बाल जो डैम्प हो जाते हैं ना देर आर चांसेज उनके ब्रेकेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो टूट जाते हैं एंड दैट्स द रीज़न. मतलब हेयर ऑयल करते हैं वैसे थोड़ी इतने बाल गिरते हैं, इक्का दुक्का मुश्किल से. बट लेट्स सी, अभी मैं इसको हेयर वॉश करने जा रही हूँ. कंडीशनर ये नहीं यूज़ करूँगी आई प्रॉमिस. एंड फॉर शैम्पू आई एम गोना बी यूजिंग दिस वाओ स्किन साइंस कोकोनट मिल्क शैम्पू. ओके सो नाउ व्हाई कोकोनट मिल्क. सो कोकोनट मिल्क इसलिए आप चाहे हेयर ऑयलिंग ओवरनाइट करके रखें या फिर 5-10 मिनट पहले जैसे कि मैंने अभी किया, आपको कंडीशनर की जरूरत एनी हाउ पड़ने ही पड़ने वाली है. बट वी गोना मेक श्योर कि मैं कंडीशनर यूज नहीं करने वाली हूँ तो मैं यहाँ पे कोकोनट मिल्क वाला शैम्पू यूज करूंगी क्योंकि इट विल नॉट ओनली टेम द फ्रिजेस, मेरे बालों को अच्छी खासी सी रूट्स को स्ट्रेंथ भी देगा एंड साथ के साथ इंश्योर करेगा कि जो कोकोनट मिल्क में जो एक्स्ट्रा कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी वजह से मेरे को कंडीशनर को यूज करने की जरूरत ही ना पड़े. अब यू गेटिंग माय पॉइंट. एनीवेज इसमें कोई भी सल्फेट नहीं है, पैराबेन नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है और सॉल्ट कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है. इट्स वेरी सेफ टू यूज. आई लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आई एम गोना वॉश माई हेयर नाउ. ओके सो आई हैव वॉश्ड माई हेयर और मैंने कंडीशनर नहीं किया है, कंडीशनर यूज़ नहीं किया है एंड यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ. ये माइक्रोफाइबर का टाल है, मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है ये और काफ़ी अच्छे से आपके बालों को ड्राई करता है. आई मीन रफ नहीं होता जस्ट लाइक अदर टाल. सो इसको बस थोड़ा सा मैं टाल ड्राई कर रही हूँ. नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ वो ये कि जैसे हमको लत लगी पड़ी है कंडीशनर यूज़ करने की, ऑफकोर्स आई मीन हमको ऐसा लगता है कि कंडीशनर यूज़ नहीं करते हैं तो हमारे जो बाल हैं दे आर लैकिंग एट समथिंग, सम सॉर्ट ऑफ मॉइस्चर, सम सॉर्ट ऑफ कंडीशनर. लेकिन लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई गीता सीधा तो दिख नहीं रही है जिसपे हाथ रख के कसम खा लो, बाय गॉड मुझे 1% भी, 1 मिनट के लिए भी जरूरत नहीं लगी कंडीशनर को यूज़ करने की. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मेरे बालों में कुछ कमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. और अगर मैं बात करूँ पोस्ट हेयर वॉश उसकी हेयर फॉल की तो वो भी नहीं है, मतलब जैसा रेगुलर होता है 4-5 स्ट्रैंड मामूली से गिरते ही हैं वो तो हर किसी के हैं मेन, तो वो ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. वो भी अभी क्योंकि मैं मेरे बालों को, मेरे बाल गीले हैं अभी, उसके बाद में वो भी नहीं होने वाला है. मेरे बालों को मैं भी ड्राई होने देती हूँ एंड देन कम बैक. ओके सो मेरे बाल जो है वो ऑलमोस्ट 50-60 या फिर 60-70% ड्राई हो चुके हैं. ऑनेस्टली लग रहा है कि कुछ मिसिंग है. वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि मेरे बाल ड्राई होने के बाद में अपनी जो उनकी एक्चुअल सिचुएशन होती है वहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि गीले होते ही तो हमको लगने लग जाता है कि यार देयर इज मॉइस्चर. अब हमको आदत पड़ चुकी है कंडीशनर यूज़ करने की, तो चाहे ज़रूरत ना भी हो लेकिन मुझे इसलिए फील हो रहा है क्योंकि हम यूज़ करते हैं और आज मैंने नहीं किया. सो देयर कुड बी टू सिचुएशंस. नाउ आई विल बी बैक अगेन नेक्स्ट चेक इन के साथ में जब मैंने पूरे मेरे बाल ड्राई हो गए हैं. ओके सो मेरे बाल जो है ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके हैं. एक चीज़ जो मैं आप बोलना चाहूँगी वो ये कि ज़रूर समझती हूँ मैं, बताना अगर आपकी है ऑयली स्किन आप भूल कर भी इसे मत ट्राई करिएगा, क्योंकि जो इमीडिएट आप ऑयल लगाते हैं उसके ठीक है अच्छे फायदे भी हैं नुकसान भी हैं. नुकसान क्या है, उस ऑयल को निकालते निकालते आपकी स्किन पे ऑयल आ जाएगा बहुत सारा. उस ऑयल को निकालते निकालते मेरे फेस पे अभी भी देर इज दिस ग्रीजीनेस ऑन माई फेस विच आई कैन सी. तो अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है, पिंपल आए दिन बरसते रहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी कोशिश मत करिएगा. और हाँ एक और चीज़, अगर आपकी है ड्राई स्कैल्प और आपके बाल ड्राई हैं तो भी ये चीज़ आप नहीं करिएगा. अब इसके नुकसान क्या है, आप जैसे ही हेयर वॉश करते हैं उसके बाद में आपके बालों में मॉइस्चर नहीं रहेगा अगर आप कोई और शैम्पू यूज़ करते हैं. तो मैंने यहाँ पे कोकोनट मिल्क वाला यूज़ किया है इसीलिए आई कैन हैंडल माय हेयर कि हाँ ठीक है 70-80% मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद में ऐसा नहीं होने वाला है. ओके सो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल रिजल्ट्स की तो आई कैन लाइक दिस मेथड, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि मैं इसको कितना जल्दी अडेप्ट करने वाली हूँ मेरे हेयर केयर रूटीन में. वाई, बिकॉज जो नंबर ऑफ स्ट्रैंड मैंने देखे थे वाइल ऑयलिंग माई हेयर उससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ. सो देखा जाए तो अगर मेरे बाल यहाँ निकल रहे हैं और आगे मैं बचा रही हूँ तो बात तो वही की वही हुई, लेकिन ऐसा नहीं है. थोड़ी सी अच्छी चीज़ भी है क्योंकि हम नेचुरल चीज़ यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनर को अवॉइड कर रहे हैं तो इट्स गुड. लेकिन मैं कोशिश करूँगी इसको, जैसे वीक में 2 बार हेयर वॉश करती हूँ तो मैं एक बार इसको करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कभी कंडीशनर यूज़ ही नहीं करूँगी. आई मीन मेरे ड्राई बाल भी हैं, ड्राई स्कैल्प भी है, तो मेरे को चाहिए
कुछ अच्छा खासा नरिशमेंट एक साथ ना सही, लेकिन धीरे धीरे करके मैं कंडीशनर को अवॉइड करने लगूंगी। ऐसा नहीं बोल रही कि एकदम सही बिल्कुल नहीं होगा, हमसे ना हो पाएगा, लेकिन ये तरीका अच्छा है। एटलीस्ट कोई नेचुरल चीज मैं यूज कर रही हूँ, मुझे पता है अच्छी है। सो मेरे बाल भी काफी अच्छे हो गए हैं। ऑल्सो मैं क्रेडिट शैम्पू को भी देना चाहूंगी, बिकॉज मैंने यूज किया था कोकोनट मिल्क वाला शैम्पू, जिसमें काफी अच्छी खासी कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज होती है, जिसने मुझे मेरे बालों में कंडीशनर यूज करने की ज्यादा मुझे यू नो वाली चीज फील ही नहीं कराई। सो क्रेडिट उसको भी जाता है, एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपके लिए वाला वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा। जो भी सारी चीजें मैंने यूज करी हैं, सारी डिटेल्स होंगे नीचे, आप चेक करना प्लीज, थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। और हाँ, मुझे ये भी बताना कितने सारे लोग इस चीज को ट्राई करने वाले हैं, कंडीशनर को धीरे धीरे स्किप करने की कोशिश अच्छी है। चलिए देखते हैं कितने को फायदा होता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू नो दैट। एंड दैट्स ऑल, मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अगले अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड आई लव यू ऑल सो मच।